हमने अभी एक दंड चुंबक लेकर उससे चुंबकीय बल रेखाएं खींची। अब हम एक नाल चुंबक लेते हैं और इससे चुंबकीय बल रेखाएं खींचकर देखेंगे कि ये हमें किस प्रकार की प्राप्त होंगी। ठीक है, तो देखिए फिर से सफेद कोरा कागज यहाँ पर मेरे पास है, इसमें हम इस नाल चुंबक को इस प्रकार से रख देते हैं। पर अब सबसे पहले हमें इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को देखना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से मदद लेंगे चुंबकीय सुई की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चुंबकीय सुई का जो तीर वाला हिस्सा है, इस तीर में जो नोक जो आपको दिखाई दे रही है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव को बताती है और इसका पूंछ वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव को बताता है। तो इसी बात की सहायता से हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ढूंढ पाएंगे। ये देखिए, जब मैं इसे इस सिरे के पास ला रही हूँ तो तीर का जो नोक वाला हिस्सा है इस सिरे की तरफ इंगित कर रहा है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो हम यहाँ एन लिख देते हैं और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, लेकिन देखिए ये जो है आप ये देखेंगे कि इसका पूंछ वाला हिस्सा अपने आप जो तीर है वो घूम गई और पूंछ वाला हिस्सा जो है ये इस सिरे से जाकर मिल गया, यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव है। ये हमने यहां भी मार्किंग कर दी। ठीक है, अब हम खींचेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। प्रक्रिया वही होगी जैसे कि पहले हमने देखी है। ये हमने चुंबकीय सुई को रखा और उसके बाद हम निशान लगाना शुरू करेंगे। इसके पूंछ वाला जो हिस्सा दिख रहा है उसके बिल्कुल सामने ये एक निशान हमने लगा दिया। दूसरा निशान देखिए, वापस से इसे इस तरह से सेट करिए, ये हुआ। और अब आप इसे रखेंगे तो ये वापस इसी तरफ घूम रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ दो ही बिंदु मिले हैं, इनको मिलाकर हम एक चुंबकीय बल रेखा ये हमने खींच दी। इसकी दिशा आपको पता है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ। और चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं फिर से। इसे यहाँ पर हमने इस प्रकार सेट कर लिया और इसकी पूंछ के पीछे ये निशान लगा दिया। चलते हैं, दूसरा निशान लगाएंगे और इस प्रकार हम बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे। तो इस प्रकार हमें बिंदु प्राप्त हो रहे हैं और लगातार ये प्रक्रिया करते रहना है और इन बिंदुओं को मिलाकर हमें चुंबकीय बल रेखाएं मिलती जा रही हैं। देखिए हमने यहाँ 2-3 बल रेखाएं खींच ली हैं, आगे भी हम इसको खींचते जाएंगे। ये और एक चुंबकीय बल रेखा हमको मिल गई। ये दक्षिणी ध्रुव है तो ये इसका डायरेक्शन भी इस तरफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली। आप और भी खींच सकते हैं। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं? इसके पहले भी हमने दंड चुंबक के लिए चुंबकीय बल रेखाएं खींची, वहां भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी, क्योंकि यदि वे ऐसा करती हैं तो उस बिंदु पर चुंबकीय सुई दोनों दिशाओं को दिखाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही नाल चुंबक, दंड चुंबक लेकर चुंबकीय बल रेखाएं अपनी शालाओं में खींचिए।